हेलो एवरीवन, आज है 21 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 27 रुपए के कैशलेस शेयर के बारे में, जिसने काफी बढ़िया मोमेंटम दिखाया है पिछले कुछ दिनों में। वो शेयर कौन सा है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पीसी ज्वेलर्स। 27 रुपए का शेयर है। पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो अच्छा मोमेंटम इसने हासिल किया है। आप देखें, 1 महीने में अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में ये वो शेयर है जो 25% तक दौड़ चुका है। 22 रुपए के ऊपर था, तेजी दिखाई, थोड़ी सी गिरावट आई, तेजी दिखाई, थोड़ी सी गिरावट आई कुछ दिनों तक, एक झटके में फिर से तेजी दिखाई है। यहाँ पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी रैली बनी है। 1 साल में अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में 150% का ग्रोथ इसने दिया है। लेकिन चार्ट आप हमेशा ध्यान दीजिए, 10 रुपए के ऊपर था, ठीक है, तेजी दिखाई, 17 पे गया, लेकिन बाद में आप देखिए लगातार टूट कर नीचे आया और 13 रुपए तक पहुंच गया। फिर तेजी इसने दिखाई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी दिखाई, देखिए 31 पे गया, दोबारा बड़ी गिरावट लेके बैठा, 22 रुपए पर आया, लेकिन अब फिर से दौड़ना शुरू कर रहा है। तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है। एक बड़ी गिरावट ही लेकर बैठा है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 10 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2012 से अगर हम देखें तो ये वो शेयर था जो 585 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही नीरव मोदी वाला कांड हुआ, कंपनी की हालत खस्ता हो गई, टूट के बिखरने लगा ये शेयर। इवन कोरोना काल में, उससे भी पहले कोरोना काल की अगर हम बात करने जाए तो ये शेयर 8 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद आप देखिए तेजी दिखा रहा है ये शेयर। 8 रुपए तक टूटने के बाद ये शेयर तेजी दिखा रहा है, अच्छी खासी रैली है ये, और मुझे लगता है कि ये तेजी थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है। स्मॉल कैप शेयर है, 1245 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 21 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, काफी कम वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी यह शेयर ट्रेंड में आ सकता है। प्रमोटर के पास 54.53% की होल्डिंग है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रमोटर के पास दिसंबर क्वार्टर तक सिर्फ 46% की होल्डिंग थी। प्रमोटर ने तकरीबन 8 से 9% की होल्डिंग खरीदी थी दिसंबर टू फेब्रुवरी महीने के बीच में, और ये वाकई में बहुत बड़ी चीज है। प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी यहाँ पर करी है और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी भी यहाँ पर 1.49% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 37.42% है। हालांकि डिविडेंड 2018 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। पीसी ज्वेलर्स अगर हम देखें, टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। और इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कोई भी यहाँ पर आपको बेचने की बात नहीं कर रहा है, हर कोई यही कह रहा है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, बढ़िया मुनाफा मिलने वाला है यहाँ पर। पीसी ज्वेलर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 10 फरवरी को पीसी ज्वेलर्स के जो बलराम गर्ग है, आप देखिए 10 फरवरी 2021 को 30 रुपए के भाव पर पीसी ज्वेलर्स के जो प्रमोटर है बलराम गर्ग, उनके द्वारा 7 करोड़ शेयर खरीदे गए थे। 7 करोड़ शेयर, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है ये, 7 करोड़ शेयर खरीदे थे। तकरीबन 8 साढ़े 8% की होल्डिंग उन्होंने एक ही झटके में खरीद ली थी मार्केट से, और ये बहुत बड़ी बात है। और रेवेन्यू में आप देखो कितना शार्पली करेक्शन आया है। अब देखिए 1665 करोड़ का रेवेन्यू था दिसंबर 2019 तक, बाद में वो डिक्रीज हुआ 2020 तक, तकरीबन 914 करोड़ रहा। बाद में वो कोरोना काल में सिर्फ 60 करोड़, क्योंकि भैया लॉकडाउन था, सारे शॉप्स बंद थी, तो भैया रेवेन्यू नहीं होने वाला था। लेकिन उसके बाद जैसे ही अनलॉक के फेज में है, 430 करोड़, और दिसंबर 2020 तक तो 1465 करोड़ का रेवेन्यू। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रेवेन्यू कमा रहा है अभी। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो शानदार प्रॉफिट है। पिछले 3 क्वार्टर नुकसान के थे इनके कोरोना काल में, ठीक है, आप देखिए, लेकिन अब सीधा 130 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में है, और मार्च में और बड़े प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फंडामेंटल्स मुझे लगते हैं कि अब थोड़े से इनके बेहतर हो रहे हैं, कंपनी पॉजिटिव मोड पर है, और इतना ही नहीं, प्रमोटर ने लगातार खरीदारी भी करी है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये सारी चीजें देखने लायक है। पीसी ज्वेलर्स मैं कहूंगा कि डेफिनेटली जब शेयर 12 रुपए के ऊपर था तब भी मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि मुझे अब यहाँ पर डर नहीं लग रहा है,
पीसी ज्वेलर्स में मुझे लगता है कि भैया डरने की अब कोई उतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिएगा। कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं और डेफिनेटली ये यहाँ से एक अच्छा ग्रोथ दिखा भी सकता है। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा, पीसी ज्वेलर्स एक पॉजिटिव मोड में जरूर है। 27 रुपए के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। ये हाल का जो लेवल है वो भी मुझे खरीदारी के लिए पसंद आता है और अगर यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जाता भी है तो थोड़ी और क्वांटिटी भी आप इस लेवल से ऐड करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म का पोजीशन बनाइएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में देख आपको थोड़े झटके मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पर 10 रुपए के उछल के सीधा 17 रुपए पर गया था, ठीक है, बाद में टूट गया 13 रुपए तक। लेकिन यहाँ पर आपको पैनिक नहीं कर जाना है। होता क्या है कि जब 2-3 महीने तक शेयर चलता नहीं तो लोग पैनिक कर जाते हैं। अब देखिए दोबारा तेजी ऐसी दिखाई कि भैया पैसा डबल हो गया, फिर थोड़ी सी गिरावट आई, तेजी आई, फिर देखिए 31 पे जाने के बाद एक गिरावट आई 22 रुपए तक गया। यहाँ पर जो लोग पैनिक कर गए थे उनका भैया पैसा डूबा है, यहाँ उनको नुकसान में निकलना पड़ा है। देखिए तेजी बनी है, अभी और बनेगी तेजी। तो इसीलिए एक साथ मत खरीदना बहुत सारे शेयर्स, टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं आप। यहाँ पर 1,000 खरीदने हैं तो 200 खरीदो, अगर गिरावट आती है तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करते रहो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान लेके चल सकते हैं और 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। डेफिनेटली पीसी ज्वेलर्स मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम हासिल होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और पीसी ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।